कराची में गैर मयारी पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के बाइस मुख्तलिफ अमराज समेत बरसात में निकासियाब के मसाइल भी मामूल बन चुके हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से मुजरे सेहत और माहौल दुश्मन प्लास्टिक बैग्स के तदारुक के लिए जल्द हुकूमती इकदामात का इंदिया दे दिया गया है। इसी से मुतालिक तफसीलात रिपोर्ट करेंगे अली महदी। शहर कायद में गैर मयारी पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल से सालाना लाखों अफराद मुतासिर और मोहल्लिक अमराज का शिकार हो रहे हैं। माहरीन गैर मयारी शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल को सेहत के लिए भी इंतहाई खतरनाक करार देते हैं। आपको हर तरफ प्लास्टिक नजर आ रहा है और उसकी कोई डिग्रेडेशन का इतना आसान प्रोसेस नहीं है। हम जब उस प्लास्टिक को जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइऑक्सिन बनता है। डाइऑक्सिन इंतहाई खतरनाक केमिकल है जो कि कैंसर कॉज करता है। शहर में पॉलीथीन बैग्स निकासियाब के मसाइल का भी सबब बन रहे हैं। हुकूमत की जानिब से माजी में 3 मरतबा पाबंदी लगाने के बावजूद गैर मियारी शॉपिंग बैग्स की तैयारी, तरसील, खरीदो फरोख और इस्तेमाल रोका नहीं जा सका। मुशीर वजीर आला सिंध वकार मेहदी का कहना है कि शॉपिंग बैग्स के तदारुक के लिए कराची समेत सिंध भर में बड़े पैमाने पर इकदामात किए जाएंगे। पॉलीथीन बैग बड़ा मसला रहा है, खास तौर पे ये सेवरेट लाइनों के अंदर, और ये मुद्रे सेहत भी है। केएमसी काउंसिल में भी कलादात पास हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन को ऑनबोर्ड करके इस पे फौरी एक्शन हम शुरू करेंगे ताकि ये इससे जो निजात मिले और पूरे सिंध के अंदर आपको इंशाल्लाह इस पे एक्शन होता नजर आएगा। माहरीन का कहना है कि शॉपिंग बैग्स का बढ़ता इस्तेमाल रोकने के लिए मौसर कानून साजी समेत अवामी सतह पर आगाही और दीगर इकदामात उठाने की भी जरूरत है। केएमसी हुकाम का कहना है कि माहौल दुश्मन और मुजरे सेहत पॉलीथीन बैग्स के तदारुक के लिए जल्द मौसर कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस सिलसिले में शहरियों को भी अपना मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान खान के साथ अली महदी, दुनिया न्यूज़, कराची।